कर लेते हैं। यहां पर न्यू एड पे क्लिक करेंगे सर। ऊपर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, जो राइट साइड में ऊपर पेंसिल बनी हुई है। जी ऊपर यूज ए पोस्ट करेंगे। हाँ जी यूज पोस्ट कीजिए, पहले वाला ऊपर वाला। ये जो नीचे एड टेक्स्ट है ना, डेली एडवाइस टिप्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको डिलीट करना है। इस बॉक्स में क्लिक करके इसको डिलीट कीजिए। हाँ, यहां पे लिखिए फ्री फ्री फाइनेंशियल, हाँ फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग मीटिंग, फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग मीटिंग। और टाइप करते रहिए, कोई बात नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, आप टाइप करते रहिए, उसको होने दीजिए ऊपर नीचे, आप टाइप करते रहिए। फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग मीटिंग, विद आवर एक्सपर्ट, विद आवर एक्सपर्ट। हाँ जी सर, आप नीचे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स के नीचे जो स्पेस एरिया है ना व्हाइट, इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, सेव चेंजेस करेंगे। अब नीचे गेट ग्रो योर कस्टमर बेस पे क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है आपको लास्ट में? ग्रो हाँ जी, ग्रो योर योर कस्टमर कस्टमर बेस। बेस। अब नीचे आइए, धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे। हाँ जी, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। पेज आपने बनाया हुआ है, देखिए, एक सेकंड, फॉर्म बनाया हुआ आपने रिटायरमेंट फॉर्म के नाम से, ये जो पहले मैंने भरवाया था, ये ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कोलकाता में जा रहा है। एक सेकंड सर, हाँ ये भी ठीक है, कोलकाता ठीक है, आगे आइए। इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे भी जाएगा, ये भी ठीक है। ओके, एक सेकंड सर, चूज योर ओन पे क्लिक करेंगे। चूज योर ओन, चूज योर ओन, नीचे 350 के नीचे थ्री। हाँ जी, इस पर डिलीट करेंगे 350 को, डिलीट बटन दबाएं नीचे। हाँ, 210 कर दीजिए इसको, 210। ओके का टिक मार्क का बटन दबाएं, टिक मार्क का बटन दबा दीजिए सर। हाँ, नीचे से इसको 5 डेज कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है सर, टिक मार्क का बटन दबाएं सर। कीबोर्ड पे टिक मार्क का बटन है नीचे, कीबोर्ड पे टिक मार्क का बटन है, कीबोर्ड, कीबोर्ड हाँ जी, हाँ जी, टिक टेक मार्क मार्क का कर दें। बटन दबाइए। हाँ, नीचे आइए, नीचे आइए, बजट आपके पास है, इसको ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं थोड़ा सा, इसको 5 डेज कर दें सर, 5 डेज ऊपर जाएं, 3 को इसको 5 डेज, ये जो एक के आगे, हाँ एक और, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमोट नाउ पे क्लिक करें, आप प्रमोट नाउ पे क्लिक करें। हाँ जी, एक मिनट सर, ऊपर से बैक बटन दबाएंगे, ऊपर से बैक बटन दबाएंगे। हाँ, इसको 4 दिन कर दीजिए सर, 4 डेज। हाँ, आप प्रमोट नाउ पे क्लिक करें। ये सर आपका एड अप्रूवल के लिए चला गया है, ठीक है। ऊपर से बैक बटन दबाएंगे। हाँ जी, अब आप ये जो मेटा एड मैनेजर है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। क्या रखा है आपने? प्ले मेटा स्टोर पे जाएं, मेटा एड मैनेजर टाइप करें, प्ले स्टोर पे जाएं,
प्ले स्टोर पे जाना। हाँ जी, थ्री ये दबाएं, स्क्रीन पे आ जाए, मेन प्ले स्टोर पे आ जाए। हाँ जी, ये प्ले स्टोर है, ठीक है, ओहो सॉरी, कोई बात नहीं, दोबारा क्लिक करें, प्ले स्टोर पे है। हाँ जी आइए, ऊपर से बैक बटन दबाएं, प्ले स्टोर पे मेटा एड मैनेजर लिखे ऊपर। हाँ, क्लिक करें उस पे, मेटा एड मैनेजर आ गया, पहला वाला ऑप्शन ओपन करिए इसको। ये देखिए रिव्यू में दिख रहा है आपको, ये आपको पहला रिव्यू में दिख रहा है, ये इन रिव्यू मैक्सिमम के नीचे लिखा हुआ, हाँ जी तो ये आपका ऐड चला गया है। अब जैसे ही एक्टिव होगा यहाँ एक्टिव आ जाएगा, और लीड आपको जहां दिखेंगी तो वहां जीरो ऑन फेसबुक लीड जो लिखा हुआ है वहां पर दिखेगा, ठीक है। हाँ, अब जीरो ऑन ये फेसबुक हाँ, ऐड यहाँ पे जो अप्रूवल हो जाएगा तो दिखेगा। ये जो आपने डाला था पहले, ये आपने गलती से अपने पेज का वो कर दिया, क्या कहते हैं, प्रचार कर दिया, पर वो अच्छा किया, पर उसमें सिर्फ फोटो अपनी लगाई हुई थी, ये गलती थी। अच्छा। ये जो 231 रुपए ये वेस्ट नहीं गए, आपके फॉलोअर बन गए पेज के, पर हाँ ये फोटो जो लगाई आपने वो थोड़ी गलती हो गई। तो अब आपकी ऐड डल गई है और आपका ये रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है, आपको प्रोसेस समझ आ गया है। अब वापिस से पेज पे आइए, पेज पे, हाँ बाहर आइए इससे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर, हाँ, ये पेज पे आ गए अब। हाँ, इसी पे रहेंगे, रे फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजर, इसी पे क्लिक कीजिए। हाँ, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और नीचे आइए। यहाँ पर व्हाट्स ऑन योर माइंड जो लिखा है ऊपर, सर ऊपर ऊपर ऊपर, व्हाट्स ऑन योर माइंड जो लिखा है ऊपर, हाँ, यहां पर क्लिक करके जो भी वीडियो या फोटो हम भेजते हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड पे, फोटो या वीडियो जो हम भेजते हैं वो आप इसमें करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको, अगर मान लीजिए कुछ भेजता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ, जी तो वो आपको यहीं पे यूज करना है, ठीक है। ठीक है ये यहां पे डालेंगे और इसी से ऐड बनेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ओके सर। ओके। और आप लैपटॉप कब से यूज करना शुरू करेंगे? हम इसको देख लेते हैं, सब ठीक ठाक है कि, क्योंकि ये मैं ऐसे ही उतना हैबिचुएटेड नहीं हूं, तो इसलिए नहीं चलाया इसको। कोई बात नहीं सर, मैं आपको जैसे ये सिखा रहा हूं, मैंने तो मोबाइल भी आपको सिखाया ही है अभी, हाँ जी मैं आपको, आई एम रेडी टू टीच यू लिटिल बिट देयर ऑल्सो, बट प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट इफ यू हैव इट, इफ यू डोंट हैव इट इट्स ओके, क्योंकि नहीं, सीखना तो जरूरी है। हाँ जी उसमें क्या है सर, द लाइफ बिकम्स लिटिल इजी। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ठीक है, अगर है नहीं है, लेकिन ये पड़ा हुआ है बहुत दिन से। कोई बात नहीं, टाइम टू ओपन इट अप, ओके। ओके सो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल माय कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज आपने अपना पहला जीवन का शायद ऐड डाला है, सही बात, थैंक यू। और आप दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आई डोंट नो व्हाट इज योर एज, बट इस जीवन के पड़ाव में भी, 69 सर। 69 की एज में भी आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने का। मैं बहुत ओ, ओ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपसे मुलाकात के, मैंने आपसे जब जब से मिले हैं उसके बाद हमें पता चला ये आप ये बंदा बहुत बहुत टची है, बहुत मेरे लिए ये थैंक यू सर, थैंक यू, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सर कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं आप, क्योंकि पंजाबी भी बीच में लाते हैं कुछ कुछ।
नहीं, वो तो कैसे आ जाता है, वो जैसा सबसे मिलते हैं वैसे ही बात करते हैं। कहाँ काम करते थे सर आप पहले? कहाँ काम किया आपने? कहीं से रिटायर हुए? पहले मैं करीब 29 इयर्स डेवलपमेंट फील्ड में थे, एनजीओ, अच्छा रीजनल एनजीओ, बंगला, बिहार, उड़ीसा, तीन तीन जगह में ये उसका अच्छा काम चल रहा था। यहाँ मेरा काम था वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एचआर फैकल्टी ही से लड़के पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। ओके 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 तो उसका बाद वो मेरा बच्चों लड़का, एक ही लड़का है वो तब क्लास 10 में फाइनल दे रहे हैं। तो हम अच्छा सोचा ये लोग का काम कैसे करते करते मैं थक गया। मैंने बांग्ला, बिहार, उड़ीसा घूमते घूमते हुआ ओके ओके छोड़ दिया उसको, छोड़ फ्रीलांसर में आ गए। अच्छा तो ये मैं आपने ये इंश्योरेंस का काम कब शुरू किया? तब से 2001 अच्छा बिगिनिंग। ओके 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 तो अभी सब सही है सर? अभी सही सही चल रहा है? आपने ये दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था, हमने एक स्कूल का आइडिया सर डिस्कस किया था, और बंगाल में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, तो क्या आपने ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो स्कूल में पिच करना है इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू किया है? अभी नहीं किया, लेकिन स्कूल में भी कुछ प्रोग्राम, जब हम एनजीओ में थे तब स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन कर रहा था। अच्छा तो यानी आप स्कूल में कुछ जानकारी है आपकी? अब तो बहुत दिन गुजर गए। सर आपके एक्सपीरियंस की वजह से स्कूल आपको भाव देंगे, आपकी बात सुनेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको समय मिले एक दो स्कूल्स को आप बात कीजिए प्रिंसिपल्स को, कि मैं आपके बच्चों के लिए एक एक्सपर्ट का स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम करना चाहता हूँ, जो कि एग्जाम आने वाले हैं, बंगाल में भी अभी एग्जाम होंगे, है ना? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ तो आप उसको करिए सर। मैं चाहता हूँ आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको मीटिंग आती रहे, और जितना भी आप कर पाए, जैसे 2 मीटिंग है या 3 मीटिंग है, और धीरे धीरे सर मोबाइल से जैसे आप अब मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसी ही मीटिंग की कॉन्फिडेंस आपको कस्टमर्स के साथ भी लाना है। ठीक है जी अब मेरा एक सोच है आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, जी कि वो मेरा जो ये इतना विशाल जो काम किए हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा वो अवेयरनेस बिल्डिंग ही था, कॉन्शियसनेस करने के लिए। तो वो बात भी थोड़ा बहुत अभी चलता है, ये दो वुमेन ग्रुप है उसका मैं लीड करता हूँ। जी वो इनकम जनरेशन के ऊपर काम करते हैं, जी फंक्शन तो थोड़ा कमाते भी है, वो टैग कर दिया दूसरा कंपनी, दूसरा एनजीओ के साथ, जो ये देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं बाहर। ओके ये थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत जुड़ा है अभी, क्योंकि ज्यादा समय निकाल नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं सर, जितना आप समय निकाल रहे हैं, जितना आप कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रेरणादायक है हम जैसे लोगों के लिए और तो यंगस्टर्स के आप जो लिए। काम कर रहे हैं उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि बंगाल में ये हम जो देख रहे हैं ये वो एजेंट भड़के हुए हैं, ये ठीक से उतना जानकारी नहीं है। मैंने भी 8-10 को बताया, लेकिन सब पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया वो शेयर भी नहीं करते। श्योर तो मुझे अच्छा लगा, विश्वास हुआ, इसलिए हम शेयर किया उनको साथ भी। श्योर सर। एक सर आप बस आगे बढ़ते रहिए, चाहे स्लो स्टेप हो, और जब भी आपको लगे जरूरत है मेरी आप पिंग कर दीजिएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सा टाइम अवेलेबल है, देन वी विल कनेक्ट। ओके सर, आपका दिन शुभ हो सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक एनी थैंक्स टू यू सर, यू आर ग्रेट सर। यू सर। थैंक यू।